बिहार के इन छात्रों को सरकार दे रही 1 लाख रुपए और लैपटॉप। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार में 3 दिसंबर को इंटर और मैट्रिक के टॉप करने वाले 75 छात्रों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस दिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड की तरफ से 2024 में इंटर और मैट्रिक में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देने की योजना है। इस मौके पर उन टॉपर्स को 1 लाख रुपए और लैपटॉप दिए जाएंगे। याद दिला दें कि 3 दिसंबर को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म दिवस है। बिहार में हर साल इस दिन को मेधा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन के महत्व को देखते हुए बिहार बोर्ड द्वारा एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें राज्य के टॉपर्स को सम्मानित किया जाता है। ये समारोह बिहार के शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में देखा जाता है। सरकार के इस आयोजन से छात्र छात्राओं को भी काफ़ी उत्साह का माहौल होता है। इस दिन को लेकर बिहार बोर्ड ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और जल्द ही इस कार्यक्रम का वेन्यू और अन्य विवरण भी जारी किए जाएंगे। तो कौन से छात्र होंगे सम्मानित? बिहार बोर्ड की ओर से इस बार मेधा दिवस पर जिन छात्रों को सम्मानित किया जाएगा उनमें इंटर और मैट्रिक के टॉपर्स शामिल हैं। इंटर के तीनों संकायों यानी साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। वहीं मैट्रिक में पूरे राज्य के टॉप 10 में रहने वाले विद्यार्थियों को भी पुरस्कार मिलेगा। इंटर साइंस में टॉप 6 में आने वाले विद्यार्थियों में से 9, कॉमर्स में टॉप 5 में 8 और आर्ट्स में टॉप 5 में 5 छात्र छात्राएं शामिल हैं। वहीं मैट्रिक के टॉप 10 में रहने वाले छात्रों की संख्या 51 है, जिन्हें इस आयोजन में सम्मिलित किया जाएगा। बिहार बोर्ड द्वारा सम्मानित किए जाने वाले छात्र छात्राओं को कई तरह के पुरस्कार दिए जाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने इंटर में टॉप 5 में स्थान प्राप्त किया है उन्हें 1 लाख रुपए का पुरस्कार राशि दिए जाएंगे। ये इनाम राशि तीनों संकायों के टॉपर को मिलेंगे। इसके साथ ही उन्हें लैपटॉप भी दिए जाएंगे ताकि वे अपनी आगे की पढ़ाई को और बेहतर तरीके से कर सकें। इसके अलावा जो छात्र दूसरे स्थान पर रहेंगे उन्हें 75,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तीसरे स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को भी 50,000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। ये पुरस्कार राशि उन विद्यार्थियों की मेहनत और उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए दी जाएगी, जिससे उन्हें आगे की पढ़ाई में मदद मिल सके। इस सम्मान समारोह में ना सिर्फ पुरस्कार और लैपटॉप दिए जाएंगे बल्कि अन्य सम्मान भी विद्यार्थियों को दिए जाएंगे, जैसे कि किंडल ई-बुक रीडर, जिससे विद्यार्थियों को डिजिटल पढ़ाई में सहूलियत हो सके, और साथ ही एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा जो उनके अद्वितीय प्रदर्शन को मान्यता देता है। बिहार बोर्ड की ओर से ये पहल विद्यार्थियों के उत्साह को बढ़ावा देने के लिए साथ साथ उनके मेहनत को सही फल देने का एक बेहतरीन तरीका है। ऐसा सम्मान समारोह के माध्यम से छात्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे भविष्य में भी इसी तरह से सफलता के ऊंचाइयों को छूते रहें। बिहार सरकार की तरफ से टॉप किए गए छात्रों को सम्मान दिए जाने पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।